बात किस मौके की कि जिस समय उस कंस ने अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया और कैद में उसका आवास बना दिया, क्योंकि ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इसकी कुख से जन्मने वाला सातवां बच्चा तेरे काल का कारण बन सकता है। जब सातवें बच्चे का समय आया तो एकदम कंस अपनी बहन देवकी के पास कारागार में जाता है और उसने न्यू कह लग गया, आज के दिन की आकाशवाणी हो रही है, देवकी। हाँ भाई। वो जो बच्चा पैदा, जो लड़का पैदा हुआ वो मुझे दे। लड़का पैदा हुआ है? हाँ। अरे छल कपट के साथ साथ मेरे भाई, तेरी जो अक्कल है अक्कल, वो भी कितने दूर जाली। क्यों? ये तुझे लड़का दिखाई देता है? अरे कभी झूठ नहीं हो सकती, ऊपर से आकाशवाणी हो चुकी है। अपनी पुत्री को बिल्कुल नहीं करूंगी, अभी इसका खात्मा करता हूँ। नहीं भाई। ए दे दे देव की भूत कंस में, ए क्यों छती के लारी। अरे भूत नहीं बच्चे होंगे मैं आपको सौंप दूंगी। भाई यकीन कर, ये बेटा नहीं है, बेटी है। झूठ बोलन लाग रही, ये बेटी है। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती। नहीं भाई, बेटा तो आज तक पैदा हुआ ही नहीं है। देखो सजनों, एक कुदरत का खेल हो, हम कंस को ये पता नहीं, तेरे मारने वाला तो गोकुल जा चुका है, लेकिन वो उसके ऊपर चुनसी सरत पे तेरे प्राण बचे थे, चुनसी सरत पे तेरे प्राण बचे थे। ए वाए कर ले या हाथ जोड़ के करूं मैं विनती, सुन ले मेरी फरियाद। तेरी कुकते हैं जन्म लेनिया, मन करे बरपा। बेटा को न्या बेटी से मत मारे रे जल्ला दे। ए सांप दुश्मन का के छोटा, सांप दुश्मन का के छोटा, ए सांप दुश्मन का के छोटा, क्यों ज्यादा बात बुनारी। कन्या और गऊ मारे का जुलम बताया छोटू को ना। भैया ये बेटी है, बेटा नहीं है।
बिल्कुल नहीं छोड़ू, मैं अब भी झूठ बोलती है। नहीं मेरे भाई विश्वास कर, मेरी बात सुन। मैं तेरी बहन भाई, तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन हूँ, कम से कम मुझ पे इतना सा तो विश्वास कर। सुन ले मेरी बात, मैं क्या कहता हूँ। हाँ खत्म करूंगा छोटू को ना, खत्म करूंगा छोटू को ना, कितने रोदन मचाले तू भाई में बाण तेरी सू रहम मेरे पखाले, तेरा वंश में चलन दूना इन करते मेरे हवाले, राक्षस रूप बनाते यारा कौन तने समझाले, किसे की भी मानू को ना, किसे की भी मानू को ना, सूता कदवर बलकारी तू राजा हमें रैयत से के पार बसावे मारी, कते तू नू मानती हो जनक है। हाँ। मैं कितना और छोड़ जाऊंगी भाई, यह बात भी नहीं। आठों पहर तो मैं तेरी जेल में रहा करूं, यह भी गड़बड़े तेरी जेल में हूँ, अब भी मैं तने कती कैदी बना कर रख रखी हूँ, कद में कम चली जाऊंगी। बात सुन ले मेरी। हाँ। जय कितना गड़बड़ पागी तेरे प्राण बख्शे नहीं जाएंगे भाई, बुरी चीजा का एक ना एक दिन तो अंत जरूर होया करे, और मने लगे तेरा भी पाप का घड़ा भर गया है। अच्छा? तेरा भी अंत एक दिन निश्चिंत है भाई। है? क्या बकवास करती है, एक तो मैं ये कह रहा हूँ उसको दे दे लकोए बैठी, और एक ये कह रही है अंत अंत में आ गया है, ऐसे नहीं चलता, मेरी बात सुन ले। कह दे भाई। कदे जन के कित छोड़ आओ, कदे जन के कित छोड़ आओ, यो पैरा लाया सकत मने आठो पहरे रहू जेल में कोड़बे मिल जा बखत मने, और चुनसी बात कहूंगा वाए सारा जान चकत मने, गड़ा पाप का भर लिया और गरीबा का चूसा रखत तने। एक और बात बताऊं छोरी। हाँ भाई। तू तो इतनी थोड़ी बहुत बोले, ए मेरे आके लड़ने वाला, मेरे आके लड़ने वाला ना जन्म्या छत्तर अंधारी, तेरे जैसा का नाश करने खुद आवे न्याकारी, देवकी भूत कंसरे क्यों साथी कलारी, भूत नैया कन्या से पत मारे अत्याचारी, ओ हो भी नींद चली है भाई, मैं अब भी तुझसे हाथ और मेरे को शिक्षा दे रही है भाई,
मैं अब भी तुझसे हाथ जोड़ती हूँ। देवता भी मेरे से घबराते हैं, और तू मुझे शिक्षा दे, जल्दी मेरे हाजिर कर। भाई बेटी है बेटा नहीं है, अब भी झूठ बोलती है। बेटी पैदा हुई है, मैं बेटा कहाँ से लाकर दूँ तुझे। अरे अब भी झूठ बोलती है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ जल्दी हाजिर कर। नहीं भाई, नहीं मानती। नहीं, ले सुन ले मेरी बात। हाँ जो मैं कहता जाऊं, हाँ भाई, वो सच सच सुनती जा। ऐसे माड़ा माड़ा मन करने से काम नहीं चलेगा तेरा, मुझे देनी पड़ेगी वो जो संतान तेरे पास है। तके अंदर तलक भी मेरी काबू में, अंदर तलक भी मेरी काबू में, चची नहीं मन तेरे में। राज नशे में नहीं सूझता, रहे घमंडिया तेरे में। मन की चाही करया करूं जो या जा मेरे में। नाश करने ने जन्म लिया अग्रसेन के डेरे में। दे सैड देने उसको पकड़ा। नहीं भाई, ना मेरे को दे। नहीं, तेरा इतनी सुन के घोष का लड़की, इतनी सुन के घोष का लड़की, अरे मठ सलाप दे मारी, कहे हुकम सिंह को लोड़।